मेरे सभी व्यूअर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव होम्योपैथी कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। ये एक डिसीज होती है जो कि हमें मेल या पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है, और इस प्रॉब्लम से वो कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये क्यों होने लगती है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। ये जो एलोपेशिया एरिएटा होता है, इसमें आपने देखा होगा कि गोल गोल पैचेस बन जाते हैं, मीन्स कि वहां पे हेयर लॉस हो जाता है अचानक से। आप बोलेंगे कि हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, झड़ भी नहीं रहे हैं जनरली, लेकिन उसके बावजूद ऐसे गोलाकार जैसा होता है एक रिंग शेप का, उस एरिया में बाल बिल्कुल नहीं रहते, बाल्ड हो जाता है, गंजापन आ जाता है वहां पे, पूरे सिर में नहीं देखने को मिलेगा आपको। जैसे मैं पिक में दिख रहा होगा कि इस तरीके से बीच बीच में सिर में गोलाकार पैचेस मिलेंगे, या फिर आपके बियर्ड एरिया में भी मिल सकते हैं, या फिर आईब्रोज में भी मिल सकते हैं, मींस बॉडी के अलग अलग पार्ट पे भी ये देखने को मिल सकता है। मोस्टली सिर और दाढ़ी के बाल में जो बियर्ड एरिया होता है वहां पे ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर एलोपेशिया एरिएटा को हम देखें वर्ड मीनिंग, तो एलोपेशिया मीन्स होता है बाल्ड और एरिएटा मीन्स होता है पैचेस या एरिया। मीन्स जब आपको बाल्डनेस जो है पैचेस के रूप में देखने को मिलती है, तब हम इसे एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। और ये प्रॉब्लम यंग लोगों को भी देखने को मिलती है, किसी भी एज ग्रुप में आप इसको देख सकते हैं। पेशेंट जो होगा इसका, वो ये फील करेगा कि उसकी हेयर ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, उसके अच्छे बाल है, बियर्ड में भी अच्छे बाल है, लेकिन फिर एक पर्टिकुलर एरिया के ही क्यों बाल गायब हो गए, वहां पे ही क्यों गंजापन सा दिखने लगा उन्हें। तो ये जो प्रॉब्लम है ये लोगों के लिए बहुत एम्बैरसिंग भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इस तरीके से अगर बीच बीच में बाल गायब है, पैचेस के रूप में नहीं है, तो वो दिखने में उनको अच्छा नहीं लगता है। लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मींस कि आपकी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम ऐसा हो जाता है कि वो आपकी जो हेल्दी टिश्यू, हेल्दी हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करने लगता है, और वहाँ के हेयर फॉलिकल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हेयर लॉस देखने को मिलता है। अब ये ऑटो इम्यून सिस्टम क्यों डिस्ट्रॉय करने लगता है, या फिर ऐसा क्यों करता है ये, इसके एग्जैक्टली अगर हम कॉज की बात करें तो ये नहीं पता है अभी तक कि एग्जैक्ट कॉज क्या होता है, लेकिन थ्योरीज और स्टडीज के थ्रू ये बात सामने आई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा वो चिंता करते हैं, टेंशन लेने की उनकी आदत है, बहुत जल्दी उनको एंजाइटी बेचैनी होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक होने लगती है, और उनकी ये हैबिट बनती जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अगेंस्ट वर्क करने लगता है हेयर फॉलिकल्स के। इसके अलावा कुछ जेनेटिक रीजन भी होते हैं, मींस कि कुछ लोगों को ये हेरिडिटी भी होता है, मींस अनुवांशिक होता है, पेरेंट साइड में अगर ये पास्ट में हुआ है तो फैमिली हिस्ट्री भी इसकी देखने को मिलती है, तो ये एक तरीके से अनुवांशिक भी कहा जा सकता है, जेनेटिक रोल होता है इसमें। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, तो ये कुछ कॉज होते हैं। अब बात करते हैं ये होती कितने टाइप की है। तो जो एलोपेशिया एरिएटा होता है ये मोस्टली तीन टाइप का होता है। फर्स्ट तो जैसे मैंने कहा आपको, एलोपेशिया एरिएटा ये बॉडी में कहीं पर भी डेवलप हो सकती है, आपके स्कैल्प में, मीन्स आपके सिर पे, आपके आईब्रो पे, आपके बियर्ड पे, दाढ़ी पे, मुंह पे, आपके आर्म पिट में, मीन्स आपके बगल में भी हो सकती है, कहीं पर भी ये आपको जो है बाल्डनेस हो जाएगी। और कैसी होगी? पैचेस के रूप में, जैसे मैंने आपको बताई, छोटे छोटे गोले बन जाएंगे, कभी एक गोला रहेगा या फिर एक से ज्यादा भी गोले बन सकते हैं गंजेपन के, जहाँ पर आपको हेयर लॉस है, कभी कभी ये सारे गोले आपस में मर्ज भी हो जाते हैं, तो एक या एक से ज्यादा आपको इस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया एलोपेशिया एरिएटा। सेकेंड जो इसका टाइप होता है वो होता है एलोपेशिया टोटेलिस। इसमें क्या होता है कि टोटल लॉस हो जाता है आपके हेयर का, मीन्स आपके जो सिर के बाल हैं वो पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं। ये थोड़ी एडवांस स्टेज हो जाती है, मीन्स आपने ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ बढ़ गई आपकी प्रॉब्लम, तो कभी कभी वो जो छोटा पैचेस होता है वो बढ़ते बढ़ते एरिया ज़्यादा उसका बढ़ता जाता है, और वही सिर के बाल आपके जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, और उस पूरे सिर में आपको गंजापन देखने को मिलता है, तो ये कहलाता है एलोपेशिया टोटेलिस। थर्ड जो इसका टाइप होता है वो होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसमें आपको ऑल ओवर बॉडी में जो है वो हेयर लॉस हो जाता है, मींस आपके शरीर में जहाँ पर भी बाल होते हैं पूरे शरीर के, वो सभी लॉस हो जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी बाल नहीं रहते हैं। तो ये जो थोड़ा रेयर टाइप का होता है, ये सब में देखने को नहीं मिलता है, बट ये भी एक टाइप होता है। तो इस तरीके से ये तीन टाइप में डिवाइड होता है। अब बात करते हैं कि क्या ये ठीक हो सकता है।
और क्या होम्योपैथी इसमें हेल्प कर सकती है? तो इसका जवाब है कि एक तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं वो ट्रीट होने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल करते हैं, और एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि उसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। कभी कभी वो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं, और वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। बट इसका होम्योपैथी से अगर आपको अर्ली स्टेज में आप इसको डायग्नोज कर लेते हैं, दिखने लगता है आपको, हमारे यहाँ पैचेस पे जाने लगे हैं, बाल जो है थोड़ा गंजे होने लगा है, और वहां से अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो काफी हद तक ये आपको रोकेगा इस प्रॉब्लम को बढ़ने से, और धीरे धीरे उस एरिए पे जो वहां से बाल चले गए हैं वहां भी आपको ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। तो आप इसको एक होपफुली ट्रीटमेंट की तरह कंटिन्यू करते जाना है, और ये आपको समय भी लगा सकता है, मीन्स 1 साल भी लग सकता है आपको, या उससे अधिक समय भी लग सकता है, क्योंकि आपको लेना तो पड़ेगी ही दवाई। अगर आप नहीं लेंगे तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी, और हो सकता है आपको जो है, जैसे मैंने इसका एक टाइप बताया कि पूरे ही सिर या पूरे ही एरिया के बाल चले जाएं, तो वो स्टेज ना आए इसलिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि इसमें देखा गया है कि बहुत से पेशेंट्स ठीक भी हुए हैं, भले 1 साल का समय लगा, 6 महीने, 1 साल, अलग वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट ये जो है प्रॉब्लम में आपके हेयर की ग्रोथ में ये जो मेडिसिन्स है मैं आगे बताने वाली हूँ बहुत हेल्प करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना होगा, मींस आपको अपने स्ट्रेस को, चिंता को, जो आपकी आदत हो चुकी है उसको कंट्रोल करना होगा। अपनी डाइट का भी ख्याल रखना होगा, जिससे आप अधिक से अधिक हेल्दी डाइट ले सके और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सके। और साथ में आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा, इम्पेशेंस नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगेन आप एंजाइटी और स्ट्रेस लेंगे, इम्पेशेंस होंगे, तो ये प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं आप बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल फ्री होके आप मेडिसिंस को लीजिए, खुश रहिए और अच्छा खाना खाइए, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम को आप धीरे धीरे दूर कर सके। तो होम्योपैथिक मेडिसिंस में जो सबसे पहली मेडिसिन आपको लेनी है वो है थुजा। थुजा आप 200 के फॉर्म में लेंगे, इसकी आप दो दो बूंद लेंगे सुबह और शाम। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन आपको लेनी है वो है REPL की 10 नंबर, जो कि एलोपेशिया के नाम से आती है, ये एक होम्योपैथिक पेटेंट है REPL कंपनी का, और इसकी पिक आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। इस मेडिसिन की आपको 10 10 ड्रॉप 3 बार दिन में लेनी है, आधे कप गुनगुने पानी से। इसके अलावा आपको एक और मेडिसिन लेनी है, वो है रैकवेक कंपनी की है, R89, ये इस नाम से आती है, और इसकी आपको 15 15 बूंद दिन में 2 बार लेना है, इसे भी आपको गुनगुने पानी में लेना है। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मेरा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है, हेयर फॉर्मूला है, जो कि मेरा सुपर हेयर फॉर्मूला के नाम से आपको दिखेगा, और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि उस हेयर फॉर्मूले को कैसे बनाना है। तो उस हेयर फॉर्मूले की आपको लेनी है, मीन्स वो एक कॉम्बिनेशन है होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो उसकी आपको 15 15 बूंद दिन में 2 बार लेनी है गुनगुने पानी से। इन सभी दवाइयों को आपको रेगुलर बेस पे लेना है, और साथ ही अपना संयम भी नहीं खोना है, कंटिन्यूअस आप इसे खाते रहें और धीरे धीरे रिजल्ट जो है आपको मिलने लगेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो एलोपेशिया एरिएटा के ऊपर। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करिए, और एक लाइक का बटन भी जरूर प्रेस करिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन व्हाट्सअप कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन व्हाट्सअप कंसल्टेशन करना, तो आपको जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल वे में दिख जाएगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।